हेलो दोस्तों, नीमा बुपा कभी से फेमस रहा है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स लाने के लिए। पहले जो उनका बेस्ट सेलिंग प्लान था नीवा बुपा रीएश्योर, वो भी काफी अच्छा प्लान था और सबसे हटके उसके अंदर फीचर्स थे। नीवा बुपा रीएश्योर का सीक्वल यानी कि नेक्स्ट वर्जन उन्होंने लॉन्च किया है, नाम है नीवा बुपा रीएश्योर 2.0। क्या क्या उसके यूनिक फीचर्स है आज के वीडियो में हम जानेंगे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम जानेंगे बूस्टर प्लस बेनिफिट क्या है। नीवा बुपा रीएश्योर में तो हमने सिर्फ बूस्टर बेनिफिट देखा था, लेकिन 2.0 में प्लस वर्जन आ गया है इसका, तो ये बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। दूसरा, रीएश्योर प्लस बेनिफिट क्या है। रीएश्योर जिस पे इसका नाम रखा गया है इस प्लान का, वो भी रीएश्योर प्लस हो गया है, इस बेनिफिट में क्या खास है। तीसरा, लॉक द क्लॉक सबसे यूनिक फीचर, इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या है इसका बेनिफिट। फोर्थ, सभी कवरेजेस और बेनिफिट्स रीएश्योर से कैसे बेहतर हुई हैं, वन बाय वन आपको बताऊंगा। डिस्काउंट्स को कैसे भूल सकते हैं, अब फीचर्स तो हैं लेकिन इन पे डिस्काउंट कैसे पाएं, इस वीडियो में आपको वो भी जानने को मिलेगा। और वीडियो के एंड में प्रीमियम कंपैरिजन करेंगे यानी रेट का कंपैरिजन करेंगे। भाई ये सारे फीचर्स तो दे दिए, लेकिन अगर आपने इसका प्राइस ही डबल कर दिया रीएश्योर से, तो क्या हम इन फीचर्स के साथ ये प्लान लेंगे, तो वो कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा नीवा बुपा रीएश्योर और रीएश्योर 2.0 में, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि ये वर्थ बाइंग यानी लेने लायक प्लान है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डीएचसी सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जानकारी मिलेगी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, एक 8-10 साल का बच्चा भी उसे समझ सकता है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे हमें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप दोस्तों समझते हैं बूस्टर प्लस बेनिफिट क्या है। इसका एक सिंपल आसान एक लाइन में अगर आपको बताऊं, जो भी पैसा पूरे साल में आप अपनी पॉलिसी में से इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो सारा पैसा आपको अगले साल की पॉलिसी में ऐड होके आपकी कवरेज में आपको मिल जाएगा। मान लो अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की थी और आपने कोई क्लेम उस पर नहीं लिया, तो अगले साल की जब आप पॉलिसी रिन्यू करवाएंगे तो उस साल का तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही 10 लाख रुपए का, जो पिछले साल आपने यूज नहीं किया है वो 10 लाख रुपए भी अगले साल के सम इंश्योर्ड में ऐड हो जाएंगे। ये मैं आपको डिटेल में आगे एग्जांपल में समझाऊंगा। अब ये कब तक ऐड होंगे, ऐसा देखो क्लेम आपने हो सकता है 5 साल क्लेम ना है, लेकिन ये कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक ये अमाउंट जो है ऐड होने का सम इंश्योर्ड का 10 गुना ना हो जाए। इसमें भी दो प्लान है जो कंपनी ने दिए हैं, प्लैटिनम प्लान और टाइटेनियम प्लान। अगर आपने प्लैटिनम प्लान लिया है तो ये 10 टाइम्स वाला जो है ना, ये सिर्फ 5 टाइम्स तक बढ़ेगा। यानी अगर आप जो भी सम इंश्योर्ड यूज नहीं करते हैं, जो भी पैसा अपनी पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो 5 गुना तक बढ़ सकता है अगर आपके पास प्लैटिनम प्लान है। अगर टाइटेनियम प्लान आपने लिया है तो वो 10 गुना तक हो जाएगा। कोई भी अगर ऐसा अमाउंट है जो क्लेम लेने के बाद बच जाता है, मान लो आपने क्लेम ले लिया, 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड था और 3 लाख रुपए का कोई क्लेम आ गया किसी इमरजेंसी में, तो 7 लाख रुपए जो बचते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी क्लेम लेने से ऐसा नहीं है कि कुछ भी अमाउंट आपको अगले साल ट्रांसफर नहीं होगा, जितना भी अनयूज्ड है, जितना भी क्लेम लेने के बाद बचा हुआ सम इंश्योर्ड है, वो अगले साल के सम इंश्योर्ड वाली पॉलिसी में ऐड हो जाएगा। इस बूस्टर प्लस का यही फायदा है। अब दोस्तों बूस्टर प्लस बेनिफिट को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, समझना इजी हो जाएगा और आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्लेम्स के साथ और बिना क्लेम के कैसे कैसे बूस्टर प्लस बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड होगा। इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, यहाँ पे आपको दिख रही है। इसमें टोटल 5 कंटेंट है। सबसे पहले साल, यानी कि कौन से साल की पॉलिसी है, पहले साल की, दूसरे साल की, टोटल 12 साल तक का मैंने एग्जाम्पल लिया है। बेस सम इंश्योर्ड, कितने लाख रुपए की आप कवरेज ले रहे हैं, वो 10-10 लाख रुपए की मैंने यहाँ पे ली है। बूस्टर प्लस सम इंश्योर्ड, जो सम इंश्योर्ड कैरी फॉरवर्ड होगा यानी कि जो अगले साल तक आगे जाएगा, वो यहाँ पे मैंने लिखा है। और टोटल सम इंश्योर्ड, इन दोनों को जोड़ के जो टोटल सम इंश्योर्ड आपको हर साल मिलेगा वो कितना कितना होगा, वो यहाँ पे लिखा है। बीच में दो क्लेम्स भी हमने डाले हैं ताकि हम ये समझ पाएं कि क्लेम आने के बाद वो अमाउंट कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा। सबसे पहले लेते हैं पहले साल का एग्जाम्पल। पहले साल हमने 10 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदी, बूस्टर प्लस सम इंश्योर्ड हमारे पास 0 है क्योंकि पहला ही साल है, तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई भी हमारे पास अमाउंट नहीं है। टोटल सम इंश्योर्ड हुआ 10 लाख रुपए का, लेकिन पहले साल में ही पॉलिसी में क्लेम आ गया 3 लाख रुपए का, तो 10 में से 3 लाख रुपए अगर इस्तेमाल हो गए तो कितने बचे, 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए बूस्टर प्लस सम इंश्योर्ड में अमाउंट में यहां पे आ जाएंगे, यानी ये बचे हुए हमारे पहले साल के। जब हम दूसरे साल की पॉलिसी खरीदेंगे तो खरीदते ही 10 लाख रुपए तो हमें बेसिक सम इंश्योर्ड मिल गया जो पॉलिसी खरीदने के साथ हमें मिला, 7 लाख रुपए हमारे पिछले साल वाले में से बचे हुए थे, तो टोटल सम इंश्योर्ड कितना हुआ, 17 लाख रुपए का।
ऐसे ही तीसरे साल जब हम पॉलिसी खरीदेंगे 10 लाख रुपए की तो पॉलिसी हमें खरीदते ही जो सम इंश्योर्ड है वो मिल गया, 17 लाख रुपए हमारे पहले के बचे हुए थे तो वो यहां पे कैरी फॉरवर्ड हो गए और टोटल जो सम इंश्योर्ड बना वो कितना बना 27 लाख रुपए का। अब ऐसे ही चौथे साल 10 लाख रुपए हमारे पॉलिसी के साथ हमको मिले, 27 लाख रुपए हमारे यहां से कैरी फॉरवर्ड हो गए बूस्टर प्लस बेनिफिट के, टोटल सम इंश्योर्ड कितना बना 37 लाख रुपए। अब यहां पे फिर एक क्लेम आया 2 लाख रुपए का, 37 में से 2 लाख रुपए के कितने बचे 35 लाख रुपए। पांचवें साल 10 लाख रुपए की पॉलिसी हमने खरीदी, 35 लाख रुपए हमारे बूस्टर प्लस के सम इंश्योर्ड के पहले के बचे हुए थे, दोनों को मिलाएंगे तो कितना बना 45 लाख रुपए। ऐसे ही ये ऐड होता रहेगा, हर साल का 10 लाख रुपए का तो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो तो आपको मिलता ही है, बूस्टर प्लस में आपका जो भी बिना यूज किया हुआ पैसा है वो इसमें जुड़ता जाएगा और टोटल सम इंश्योर्ड आपको मिलता रहेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ये कब तक बढ़ता रहेगा, ऐसा तो हम 15 साल भी क्लेम ना लें लेकिन ये कहाँ तक बढ़ेगा, इसकी लिमिट क्या है। टोटल मैक्सिमम बूस्टर प्लस जो अकेला बेनिफिट है वो बेसिक सम इंश्योर्ड के 10 गुना हो सकता है, इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ेगा। लेकिन 10 गुना भी कब बढ़ेगा, जब आपके पास टाइटेनियम प्लान है। कौन सा प्लान है, टाइटेनियम प्लान है तब ये 10 गुना होगा, लेकिन अगर आपके पास प्लेटिनम प्लान है तो फिर ये यहां तक जाएगा 5 टाइम्स तक। कौन सा प्लान है, प्लेटिनम, प्लेटिनम प्लान अगर होगा तो बेसिक सम इंश्योर्ड का 5 गुना आपका बूस्टर प्लस सम इंश्योर्ड हो सकता है। अगर ऐसे ही सीक्वेंस में अगर आप आते जाएंगे तो 45 के बाद ये 55 होने की बजाय, क्योंकि 55 तो 5.5 गुना हो गया, तो यहां पे 50 लाख हो जाएगा और ये यहीं पे रुक जाएगा। अब एक और चीज है, ये जो 5 गुना और 10 गुना है ये बूस्टर प्लस सम इंश्योर्ड का है, टोटल सम इंश्योर्ड में आपका ये 10-10 लाख रुपए भी ऐड होंगे, यानी टोटल ये वाला कवरेज प्लेटिनम प्लान में तो बन गया 60 लाख रुपए का, 50 ये और 10 ये, और टाइटेनियम प्लान में 1 करोड़ रुपए का तो आपका बूस्टर प्लस का सम इंश्योर्ड जो आपने इकट्ठा किया है, और 10 लाख रुपए ये टोटल आपका ये 1.10 करोड़, यानी 1 करोड़ 10 लाख रुपए का कवरेज हो जाएगा, किसमें, टाइटेनियम प्लान में, और प्लेटिनम में 5 टाइम्स तक होगा। कितना होगा, 50 लाख तो बूस्टर प्लस का सम इंश्योर्ड जो इकट्ठा किया है बिना इस्तेमाल किया हुआ, और 10 लाख रुपए ये ऐड हो जाएंगे, टोटल 60 लाख रुपए का हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें कोई क्लेम लें ना लें, जो भी अमाउंट बचा हुआ है वो बूस्टर प्लस वाले में ऐड होता चला जाएगा, और उसके साथ आपका बेस सम इंश्योर्ड तो है ही, इसके अलावा रीश्योर बेनिफिट भी है, वो मैं आपको इस पॉइंट के बाद बताऊंगा। अब दोस्तों, अगर हम पॉलिसीज को अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो बूस्टर प्लस सम इंश्योर्ड के क्या रूल्स हैं। जैसे कि सबसे पहले, अगर कोई इंडिविजुअल पॉलिसी है, कोई अकेले आदमी की पॉलिसी है और वो उसे एक फ्लोटर प्लान में, फैमिली फ्लोटर प्लान में कन्वर्ट करना चाहता है, तो बूस्टर सम इंश्योर्ड का क्या होगा, उसका जो बूस्टर सम इंश्योर्ड उसने इकट्ठा किया था वो एज इट इज फैमिली फ्लोटर प्लान में चला जाएगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी, यानी एक ही पॉलिसी में कई लोगों के इंडिविजुअल कवरेज थे, अगर वो उसे एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जिस इंडिविजुअल का सबसे कम बूस्टर प्लस सम इंश्योर्ड था वो इस फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में लागू होगा। तीसरा आता है, जब हम मर्ज करते हैं दो या दो से ज्यादा पॉलिसीज को एक फैमिली फ्लोटर प्लान में, मान लो मेरी या मेरी फैमिली में किसी और की इंडिविजुअल यानी अलग अलग पॉलिसीज थी, अब हमें उन्हें मर्ज करके एक फैमिली फ्लोटर प्लान बनाना है, तो जिस भी इंडिविजुअल पॉलिसी में सबसे कम बूस्टर सम इंश्योर्ड था वो आपकी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में लागू हो जाएगा। फोर्थ आता है मेंबर डिलीशन, अगर कोई मेंबर एग्जिट करता है किसी पॉलिसी से तो बूस्टर सम इंश्योर्ड पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज बना रहेगा। फ्लोटर प्लान अगर स्प्लिट होता है मल्टीपल पॉलिसीज में, अगर पहले प्लान फैमिली फ्लोटर था फिर वो अलग अलग इंडिविजुअल पॉलिसीज में अगर बांटा जाता है तो क्या होगा, जिस अनुपात में, जितने मेंबर्स में वो उसका डिवीजन हुआ है उसी अनुपात में आपका जो बूस्टर प्लस सम इंश्योर्ड है वो भी डिवाइड हो जाएगा। मान लो दो आदमियों की पॉलिसी थी और वो उन्होंने अलग अलग पॉलिसी अपनी कर ली है और उनका 20 लाख रुपए बूस्टर प्लस सम इंश्योर्ड था, तो दोनों को 10-10 लाख रुपए उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएगा उनकी अलग अलग पॉलिसीज में। फिर आता है इंक्रीज इन सम इंश्योर्ड, मान लो 10 लाख रुपए की हमारी पॉलिसी थी, हमने वो 20 लाख रुपए की कर ली है, तो जो पिछला बूस्टर प्लस सम इंश्योर्ड है उस पर कोई फर्क नहीं होगा, वो 10 लाख के हिसाब से ही कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, आगे जो बूस्टर प्लस सम इंश्योर्ड है वो 20-20 लाख रुपए के हिसाब से आपको मिलते रहेंगे। फाइनल आता है रिडक्शन इन सम इंश्योर्ड,
पहले आपकी पॉलिसी थी 20 लाख रुपए की, तो आपका बूस्टर प्लस भी 20-20 लाख रुपए के हिसाब से चल रहा था। अभी आपने उसको कन्वर्ट कर लिया है 10 लाख रुपए की में, यानी आपने रिडक्शन कर लिया है अपनी पॉलिसी के अमाउंट में, तो आपका जो बूस्टर प्लस सम इंश्योर्ड है वो भी डिक्रीज हो जाएगा उसी प्रोपोर्शन में, यानी वो 20 लाख रुपए के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आप 10 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदेंगे तो वो 10 लाख रुपए के रेशियो में ही आपका कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, क्योंकि आपने सम इंश्योर्ड जो बेसिक सम इंश्योर्ड है उसको घटा लिया है, तो ये भी बूस्टर प्लस सम इंश्योर्ड भी उसी रेशियो में घट जाएगा। अब दोस्तों रीएश्योर प्लस बेनिफिट को जानने से पहले हम पहले इसकी कुछ बेसिक कवरेजेस समझ लेते हैं, इस प्लान में आपको क्या क्या कवरेज मिलेंगी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सम इंश्योर्ड का, यानी कितने लाख रुपए का इलाज की पॉलिसी आप खरीद सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं वो। 5 लाख रुपए की पॉलिसी से शुरू होकर 1 करोड़ रुपए तक की पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 50 लाख रुपए की। दूसरा पॉइंट आता है टेन्योर, कितने साल की पॉलिसी एक साथ खरीद सकते हैं। आप 1 साल की भी ले सकते हैं, आप 2 साल की पॉलिसीज भी ले सकते हैं और 3 साल की पॉलिसी भी ले सकते हैं, लेकिन 2 और 3 साल की अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो उसमें कुछ डिस्काउंट है, वो मैं आपको आगे डिस्काउंट वाले सेक्शन में बताऊंगा। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों रूम रेंट। रूम रेंट का मतलब ये है, देखो कोई भी पेशेंट जब कभी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको एक कैटेगरी का रूम चूज करना होता है, यानी वो सिंगल प्राइवेट एसी रूम भी हो सकता है, कोई डीलक्स रूम भी हो सकता है, या फिर वो शेयर्ड अकोमोडेशन भी ले सकता है। तो उसमें कई पॉलिसीज में क्या है ना कि लिमिट होती है कि आपको इसी कैटेगरी का रूम मिलेगा, इससे ज्यादा का पैसा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती हैं। लेकिन इस प्लान में नीवा बुपर रीएश्योर 2.0 में इस तरह की कोई भी कैपिंग नहीं है। जब तक आपका सम इंश्योर्ड पॉलिसी में पैसा बचा हुआ है आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर की परिभाषा की अगर बात करें, ये दिख ही रहा है कि डे केयर यानी एक ही दिन में की जाने वाली ट्रीटमेंट्स, तो इसमें वो ट्रीटमेंट शामिल हैं जो 4 से 6 घंटे में कंप्लीट हो जाती हैं। सुबह पेशेंट एडमिट होकर शाम तक उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, क्योंकि वैसे नॉर्मली तो क्या ना 24 घंटे का एडमिट रहना पेशेंट का जरूरी है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को फाइल करने के लिए, लेकिन डे केयर ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से 4 से 5 घंटे में ही पेशेंट को छुट्टी मिल जाती है, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट ऐसी हैं जो उससे भी कम टाइम में हो जाती हैं। तो मिनिमम 2 घंटे से ज़्यादा की कोई ट्रीटमेंट है और वो डे केयर की कैटेगरी में आती है तो वो इस प्लान में कवर की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों आयुष, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, इससे रिलेटेड भी ट्रीटमेंट जो है वो कवर्ड हैं। कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है वो भी इसके अंदर कवर की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है होम केयर या डोमिसिलरी। अगर पेशेंट को कभी इस वो हालत में है कि हॉस्पिटल में ले जाया नहीं जा सकता, या फिर हॉस्पिटल्स में बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है और वो ट्रीटमेंट घर पे करना पड़े, उसे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कहा जाता है। होम केयर में ये है कि डॉक्टर ही एडवाइस करे या फिर पेशेंट करे कि हमें घर पे ही ट्रीटमेंट लेना है और पूरा क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स के अंडर घर पे ही ट्रीटमेंट की जाए, ये दोनों ही चीज़ें इसमें कवर्ड की जाएंगी। नॉर्मली जो पॉलिसीज हैं उनमें मिनिमम 3 दिन की रिक्वायरमेंट होती है कि 3 दिन का ऐसा ट्रीटमेंट होना ही चाहिए तभी इसके खर्चे कवर किए जाएंगे, इस प्लान में ऐसा नहीं है। आप अगर 1 या 2 दिन की भी ट्रीटमेंट लेते हैं वो भी इस कैटेगरी के अंडर कवर की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये नाम से आप जानते ही हैं, हर प्लान में हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी एडमिट होने से पहले के खर्चे हैं, डॉक्टर को दिखाना है, टेस्ट्स के खर्चे हैं, दवाइयां हैं, सेम ट्रीटमेंट से रिलेटेड, यानी जिस ट्रीटमेंट के लिए आप एडमिट हुए थे उसी से रिलेटेड जो पहले के खर्चे हैं और बाद के भी खर्चे हैं वो सब कवर किए जाएंगे, बशर्ते आपका क्लेम कंपनी ने एडमिट किया हो यानी पास किया हो, अप्रूव किया हो। कितने दिन पहले के? 60 दिन पहले के और 180 दिन डिस्चार्ज होने के बाद के भी एक्सपेंसेस इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी अगर कंपनी ने आपका एडमिट होने का क्लेम पास किया है, और ये उसी से रिलेटेड खर्चे होने चाहिए। ऐसा नहीं आपने टेस्ट किसी और चीज़ का करवाया था, इलाज किसी और चीज़ का करवाया तो वो खर्चे कवर नहीं होंगे, सेम ट्रीटमेंट से रिलेटेड और इनके जो इनवॉइसेस हैं ओरिजिनल वो भी आपको संभाल के रखने हैं, क्योंकि ये कैशलेस नहीं होता है, ये बाद में आपको अपने बिल्स और इनवॉइसेस को जमा करवाना पड़ता है और ये पैसे आपके अकाउंट में इंश्योरेंस कंपनी भेजती है। तो ये प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन पहले के और 180 दिन डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे इस प्लान में कवर होंगे। अब दोस्तों आता है एक और इसका सुपरस्टार बेनिफिट जिसका नाम है रीएश्योर प्लस। नॉर्मली हम रीएश्योर बेनिफिट में क्या था कि हमारा अगर किसी भी साल एक बार क्लेम आता है तो उस टाइम पे हमारा रीएश्योर बेनिफिट ट्रिगर हो जाता था, लेकिन हम पहली ही बार में उसे यूज नहीं कर पाते थे।
और हर साल ऐसा हमें करना होता था। अगले साल भी अगर कोई पहला क्लेम आता है उसमें हम रीएश्योर बेनिफिट यूज नहीं कर पाते हैं, वो पहले क्लेम में ट्रिगर होगा, नेक्स्ट क्लेम में जब सम इंश्योर्ड हमें जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे वो उसे रिफिल या रीएश्योर कर देगा। लेकिन यहां पे क्या है, एक बार तो इसे ट्रिगर होने की जरूरत पड़ेगी, यानी जो पहला क्लेम आएगा उसमें तो रीएश्योर बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन अगर एक बार क्लेम आ जाता है फिर वो पूरे लाइफ टाइम हर साल आपका ट्रिगर्ड रहेगा, यानी रीएश्योर का अमाउंट अगले सालों में आप यूज कर सकते हैं, पहले क्लेम आने की यानी पहला क्लेम ट्रिगर होने की हर साल जरूरत नहीं है। एग्जांपल से समझते हैं, मान लो आपका पहले साल सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए और क्लेम आ गया 3 लाख रुपए का, रीएश्योर यहां पे ट्रिगर हो गया, 3 लाख रुपए का क्लेम, यानी हमारे 10 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए का क्लेम कंपनी ने पे कर दिया, इसमें से बचे 7 लाख रुपए और रीएश्योर ट्रिगर हो गया, तो 10 लाख रुपए रीएश्योर के हमारे पास रेडी हो गए जो रीएश्योर बेनिफिट के आए हैं। टोटल अगर अब कोई अगला क्लेम आता है तो 7 लाख रुपए तो सम इंश्योर्ड में से और 10 लाख रुपए रीएश्योर के जो ट्रिगर हो चुका है, टोटल 17 लाख रुपए तक का सिंगल क्लेम हम ले सकते हैं पहले ही साल में। अब ऐसा हो गया, अब दूसरे साल की बात करते हैं। दूसरे साल में 10 लाख रुपए तो हमारा सम इंश्योर्ड है जो बेसिक हमें हर साल मिलता है प्रीमियम पे करने पे, 7 लाख रुपए जो यहां पे बचा हुआ था हमारा बूस्टर प्लस बेनिफिट वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, और 10 लाख रुपए जो रीएश्योर ट्रिगर हुआ था वो अमाउंट भी यहां पे कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि अब दोबारा से रीएश्योर बेनिफिट का ट्रिगर होने की जरूरत नहीं है, एक बार ये ट्रिगर हो गया पहले साल में ही इट स्टेज फॉर एवर, ये हमेशा के लिए ट्रिगर्ड रहेगा, ये अमाउंट अवेलेबल रहेगा। यानी टोटल दूसरे साल में आप 10 लाख 7 लाख और 10 लाख टोटल 27 लाख रुपए का एक सिंगल क्लेम ले सकते हैं। और अगर मान लो ये 27 के 27 लाख रुपए भी खर्च हो गए फिर क्या बचा, 10 लाख रुपए दोबारा आ जाएंगे किस बेनिफिट के, रीएश्योर प्लस बेनिफिट के, क्योंकि ये अनलिमिटेड है, ये खत्म हो जाएंगे दोबारा 10 लाख रुपए आ जाएंगे। यही खासियत है रीएश्योर प्लस बेनिफिट की, पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक क्लेम से ही ट्रिगर होने की जरूरत है, उसके बाद ये पैसा आपके लिए अवेलेबल रहेगा, कैरी फॉरवर्ड भी होगा, सिंगल क्लेम में ही आप इसे क्लेम कर सकते हैं, खर्च हो जाएगा दोबारा रीएश्योर आपको बेसिक सम इंश्योर जितना अमाउंट दे देगा। लॉक द क्लॉक एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है, उसको समझाने से पहले थोड़े से कवरेज और बेनिफिट्स इनके और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है एनुअल हेल्थ चेकअप का, यानी जो आप फैमिली फ्लोटर प्लान में या इंडिविजुअल प्लान में अपनी हेल्थ का चेकअप करवाते हैं, ज्यादातर पॉलिसीज में वो क्लेम फ्री ईयर के बाद या पूरा साल खत्म करने के बाद आपको रिन्यूअल के टाइम पे कंपनी देती है, यहां पे आपको पहले दिन से ही मिलेगा। कितना आप करवा सकते हैं, कितने रुपए के टेस्ट करवा सकते हैं, 500 पर लैक, यानी जितना आपका सम इंश्योर्ड है, 10 लाख रुपए की आपने पॉलिसी खरीदी है तो 500 रुपए 1 लाख पे है, तो 10 लाख पे ऑब्वियसली 5000 रुपए तक के टेस्ट आप करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक लिमिट है, इंडिविजुअल अगर आपकी पॉलिसी है, अकेले आपकी ही अलग से पॉलिसी है, मैक्सिमम 5000 रुपए तक के टेस्ट, और फैमिली फ्लोटर अगर प्लान है, पूरी फैमिली का प्लान है, मैक्सिमम 10000 रुपए तक के आप टेस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन डोनर, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट अप्रूव करती है आपकी इंश्योरेंस कंपनी तो वो भी इसमें कवर्ड होगा अप टू सम इंश्योर्ड, जितना भी आपने सम इंश्योर्ड लिया है। नेक्स्ट आता है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में रोड और एयर एम्बुलेंस दोनों के ऑप्शन है। रोड एम्बुलेंस में पहले इसमें 2000 रुपए की कैपिंग थी, अभी अप टू सम इंश्योर्ड जितना भी एम्बुलेंस का खर्चा होगा वो कंपनी आपको देगी। एयर एम्बुलेंस में 2.5 लाख रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन की लिमिट है, यानी जब भी एक बार एडमिशन होगा, एडमिट होंगे पेशेंट, 2.5 लाख रुपए तक का एयर एम्बुलेंस, इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस वो ले सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट, ये वो ट्रीटमेंट है जो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस हैं, वो भी इसके अंदर कवर होंगी, उनमें लिमिट है 1 लाख रुपए की, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है जिस पे लिमिट लागू नहीं होगी, वो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों शेयर्ड अकोमोडेशन, वैसे मैंने आपको बताया था कि रूम रेंट की कैपिंग नहीं है, कि यानी आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, उसमें कंपनी को कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आपको क्लेम पे करेगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी चॉइस है कि अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हैं, आप रूम शेयर करते हैं किसी के साथ, किसी पेशेंट के साथ, तो कंपनी इसका बेनिफिट आपको ट्रांसफर करती है। वो कितना पैसा आपको देगी, अगर आपका सम इंश्योर्ड पॉलिसी में 15 लाख रुपए से कम है तो 800 रुपए पर डे के हिसाब से आपको देगी, मैक्सिमम 4800 रुपए तक। और अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो 1000 रुपए पर डे, मैक्सिमम 6000 रुपए तक आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट। अब दोस्तों आता है नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फीचर, उसका नाम है लॉक द क्लॉक, यानी समय को रोक देना कि आपकी एज बढ़े ही ना,
और अगर हेल्थ इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो वैसे वैसे आपके हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स भी यानी उसके प्राइसेस भी बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे फीचर है लॉक द क्लॉक, ये उस समय को रोक देंगे, आपकी एज को बढ़ने के साथ साथ ये आपके प्रीमियम्स को भी रोक देंगे हेल्थ इंश्योरेंस के हिसाब से। वैसे तो एज बढ़ेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। कैसे? प्रीमियम विल रिमेन द सेम अंटिल यू फाइल अ क्लेम। जब तक आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम नहीं लेते हैं तब तक वो प्रीमियम सेम ही रहेगा, चाहे आपकी एज कितनी भी बढ़ती रहे। मान लो आपने एक पॉलिसी खरीदी 28 साल की एज में, आपने अपनी एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम पे किया और आपने 35 साल की एज तक कोई भी क्लेम नहीं लिया। सोचो उस दौरान कितनी बार प्राइसिंग रिवाइज हो सकती थी आपकी एज के हिसाब से, तो वो रिविजन नहीं होगा क्योंकि आपने कोई भी क्लेम फाइल नहीं किया है। यानी ये समय को रोकने जैसा ही है, इसलिए इसका नाम दिया गया है लॉक द क्लॉक। अब ये बेटर है उनके लिए जिनकी काफ़ी यंग एज है। पहला बेनिफिट तो ये है कि वो काफ़ी कम प्रीमियम पे करेंगे और उतना ही सेम प्रीमियम उनका बना रहेगा काफ़ी सालों तक, क्योंकि कम एज में ना कॉम्प्लिकेशन कम होती हैं, क्लेम लेने के चांसेस कम होते हैं, तो वो प्रीमियम भी सेम ही रहता है, तो वो भी एक तरह की सेविंग्स ही है। और दूसरा हिडन बेनिफिट क्या है, जैसे जैसे हर साल वो बिना क्लेम लिए अपना टाइम निकालते रहेंगे और उनका प्रीमियम सेम रहेगा, उनका सम इंश्योर्ड बूस्टर प्लस बेनिफिट के साथ साथ कितना बढ़ता रहेगा। 7 साल क्लेम नहीं लेंगे तो 7 times हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो काफी यंग एज के हैं। सो लॉक द क्लॉक एंड सेव योर प्रीमियम। अब दोस्तों अगला जो फीचर है सेफगार्ड प्लस, अगर आप ये लेते हैं तो जितना भी नॉन पेएबल आइटम्स हैं, जितना भी ये क्लेम में नॉन पेएबल आइटम्स होते थे, नॉन मेडिकल आइटम्स की लिस्ट होती थी, वो सभी एनेक्शर्स के आइटम्स पेड होंगे। पहले उसमें से कुछ आइटम ऐसे थे एनेक्शर 1 के जो सिर्फ दिए जाते थे, एनेक्शर 2 और 3 के आइटम्स नहीं पे किए जाते थे, लेकिन अब एनेक्शर 1, 2, 3 तीनों में जो भी आइटम हैं वो सब पे किए जाएंगे, उनका खर्चा पे किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा और कोई भी डिडक्शन नॉन मेडिकल नॉन पेएबल आइटम्स के हेड के अंडर नहीं होगी। दूसरा पॉइंट आता है सम इंश्योर्ड इंक्रीजेस विद इन्फ्लेशन। अब देखिए सब जानते हैं कि महंगाई हर रोज बढ़ रही है, तो मेडिकल इन्फ्लेशन के हिसाब से जितनी जितनी मेडिकल इन्फ्लेशन हो रही है, मेडिकल महंगाई बढ़ रही है, उसी हिसाब से आपके सम इंश्योर्ड में भी कुछ परसेंट अमाउंट बढ़ता रहेगा और उसके लिए कंपनी आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि क्लेम अगर 1 lakh rupees से कम है तो बूस्टर प्लस बेनिफिट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। यानी मान लो आपने क्लेम ले लिया 20, 30, 50 हज़ार रुपये का 1 lakh rupees से कम कोई भी अमाउंट, तो बूस्टर प्लस अमाउंट जो मैंने आपको समझाया था एग्जांपल में, जो कैरी फॉरवर्ड होता है अगले साल, उसमें से ये क्लेम नहीं घटेगा अगर वो 1 lakh rupees से कम है, पूरा का पूरा बूस्टर प्लस बेनिफिट आगे ट्रांसफर किया जाएगा। अब दोस्तों आती है डिस्काउंट की बारी। फीचर्स सारे आ गए हैं, बेनिफिट समझ लिए हैं, छूट कैसे मिलेगी? सबसे पहला पॉइंट है फैमिली डिस्काउंट। एक ही पॉलिसी में अगर इंडिविजुअल अलग अलग सम इंश्योर्ड के साथ अगर मेंबर्स होते हैं तो उस पर 10% का डिस्काउंट है। फैमिली फ्लोटर नहीं, इंडिविजुअल पॉलिसी, अगर इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड लेते हैं अलग अलग मेंबर एक ही पॉलिसी में। दूसरा है टेन्योर का, एक साथ 1 साल से ज़्यादा की पॉलिसी खरीदते हैं, 2 साल की पॉलिसी खरीदेंगे 7.5% का डिस्काउंट है, और अगर 3 साल की पॉलिसी खरीदते हैं तो 15% का डिस्काउंट है नेट प्रीमियम पे। इसमें क्या होता है, पहले साल पे नहीं मिलता है, ये सिर्फ सेकंड ईयर पे मिलेगा, ये सेकंड और थर्ड ईयर पे मिलेगा। नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आप अगर आप ऑटो डेबिट करते हैं, यानी आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाते हैं अपने बैंक में कि ऑटोमेटिकली आपकी EMI डेबिट हो जाए आपके अकाउंट से, उस पर भी 2.5% का डिस्काउंट है। नेक्स्ट आता है लिव हेल्दी डिस्काउंट, यानी अगर आप फिट रहेंगे, यानी जो इनकी ऐप है, वेलनेस ऐप है, उसको डाउनलोड करके आपके स्टेप काउंटर होंगे, उसके अंदर आपका लाइफस्टाइल ट्रैक होगा, वो अगर आप करते हैं तो मैक्सिमम अप टू 30% डिस्काउंट आप उसमें ले सकते हैं। लेकिन वो जो डिस्काउंट का स्लैब है वो आपके पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने पॉइंट्स अर्न किए हैं। और फाइनल डिस्काउंट है दोस्तों डॉक्टर डिस्काउंट, यानी कि अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप ये प्लान खरीद रहे हैं, 5% का डिस्काउंट आपको अपफ्रंट मिलेगा। अब दोस्तों ये जानने से पहले कि इस पॉलिसी का प्रीमियम नॉर्मल जो रीअश्योर प्लान है उससे कितना महंगा है, 2-3 डिटेल्स मैं आपको और बता देता हूं जो जाननी जरूरी है। सबसे पहले एंट्री एज क्या है पॉलिसी में, चाइल्ड के लिए 91 दिन से लेकर 30 साल तक बच्चा इस पॉलिसी में रह सकता है। एडल्ट के लिए मिनिमम 18 साल एंट्री एज है और मैक्सिमम 65 साल तक वो एंट्री इस प्लान में ले सकता है। प्लान टाइप, किस किस तरह की पॉलिसी आप खरीद सकते हैं, इंडिविजुअल अकेले खुद के लिए पॉलिसी खरीद सकते हैं, मल्टी इंडिविजुअल एक ही पॉलिसी में कई लोग इंडिविजुअल कवर ले सकते हैं, साथ में फैमिली फ्लोटर प्लान भी ले सकते हैं जिसमें एक ही कवर के अंडर सारी फैमिली कवर
होती है। अब प्रीमियम जो है ना, इसका प्राइसिंग है वो भी जोन वाइज बटी हुई है। जो जोन वन है उसमें दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कोलकाता और गुजरात की पूरी स्टेट आती है, ये प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और जो जोन टू है वो रेस्ट ऑफ इंडिया है, इसमें प्रीमियम थोड़ा सा कम मिलेगा। ये बेसिकली मेडिकल इन्फ्लेशन के हिसाब से होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट कॉस्ट महंगी होती है, यहाँ पर कम होती हैं, तो इसी हिसाब से प्रीमियम दो जोन में इनका बांटा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं, फीचर्स हमने सारे समझ लिए हैं, सारे बेनिफिट्स जान लिए हैं, लेकिन प्राइस कितना बढ़ा दिया है कंपनी ने। हम ये बोलते हैं कि इन्होंने ऐड तो सब कुछ कर दिया है, लेकिन कहीं ये बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया है। रीएश्योर के बेनिफिट्स हम सब जानते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर आए हैं। रीएश्योर प्लस का बेनिफिट है, बूस्टर प्लस का बेनिफिट है, लॉक द क्लॉक का बेनिफिट है। इन सब चेंजेस के आने के बाद भी प्राइस जो बढ़ा है वो सिर्फ 10 से 12% बढ़ा है। अगर आप रीएश्योर प्लान से कन्वर्ट करते हैं रीएश्योर 2.0 प्लेटिनम प्लान में, जिसमें रिटर्न आपका, जिसमें आपका टोटल जो सम इंश्योर्ड कितना जाएगा 5 times, उसके लिए अगर आपको 10 से 12% एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे। और अगर आप प्लेटिनम से भी अपग्रेड करना चाहते हैं टाइटेनियम में, तो इससे 10 से 12% आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 10 times तक कवरेज मिल जाता है टोटल जो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है उसके ऊपर। अब अगर ये पॉलिसी आपकी 20,000 रुपये की बन रही थी, तो ये 22 से 22,500 रुपये के आसपास पॉलिसी बनेगी इंक्लूडिंग GST। और अगर ये पॉलिसी 22,500 रुपये की बन रही थी, तो ये 25,000 रुपये के आसपास, फॉर एग्जांपल, तो ये 25,000 रुपये के आसपास पॉलिसी आपकी बनेगी। अगर इसीलिए जो इनमें डिफरेंस आया है, जो रेट का रिविजन हुआ है, वो 10 से 12% का है। तो अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल एक रिफ्रेश और अप टू डेट फीचर्स के साथ पॉलिसी चाहिए, और आप अपनी लास्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं, उसमें कवरेज फीचर्स आपको ऑब्सोलीट, आउटडेटेड या कम लगते हैं, तो आप एक नॉमिनल सी बढ़त के साथ नीवा बूपर रीएश्योर 2.0 को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नीवा बूपर रीएश्योर 2.0 की पूरी एक्सप्लेनेशन आपने देखी बिल्कुल आसान भाषा में, समझने बिल्कुल इजी है। फिर भी हो सकता है कोई पॉइंट मैं कवर ना कर पाया हूँ, या किसी फीचर या फिर किसी फैसिलिटी को लेकर, कवरेज को लेकर आपके मन में कोई सवाल है जो मैं डिस्कस ना कर पाया हूँ इस वीडियो में, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारे व्यूअर्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आपके प्लान्स के वीडियोस के बाद हमारा काम काफ़ी आसान हो गया है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जब वो हमसे पूछते हैं कि सर इस प्लान में क्या क्या फीचर्स हैं, तो हम आपके वीडियो का लिंक शेयर कर देते हैं और वो अपने आप पूरा प्लान समझ लेते हैं। कोई एक दो डाउट आता है तो वो हम डायरेक्टली उनसे फ़ोन पर बात करके सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत बेनिफिशियल होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तो मैं हरविंदर सिंह आपसे लूंगा इजाजत, मिलूंगा अगले हफ्ते और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।